हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो आपका BA 6 सेमेस्टर में को करिकुलर का एग्जाम रहता है। ठीक है, BA, BSc, BCom तीनों के लिए कॉमन रहता है, लेकिन ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा ओनली BA वालों का रहेगा, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर हुआ। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। इससे पहले आप जान लीजिए कि मेरे पास जो सीरीज़ रहेगी D रहेगी, आपके पास कुछ भी हो सकती है, मैच कर लीजिएगा। 75 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर आपसे कराया गया था, 75 क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए थे, जिसमें से आपको 65 करने थे। 65 में से अगर मैं आपको बताऊं तो 65 में से कम 22 क्वेश्चन सही करने हैं पास के लिए। इससे कम करें तो आपकी बैक लग सकती है। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर रहता है क्वालिफाई के लिए रहता है, तो आपकी 23-24 भी होगी ना, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि आपका नंबर जुड़ेगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है, ये परिभाषा किसकी है? तो परिभाषा हमें बताना लिकट की हो जाएगी। डी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साक्षात्कार की विशेषताएं, तो साक्षात्कार की विशेषताएं क्या हैं? देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनके लिए एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर आपको है पूछ लिया, जैसे कि आपको आर पूछ लिया, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी दिख रहा है तो आपको आँख बंद करके लगा देना है। ठीक है, अगर इज दिखता है या फिर है दिखता है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, लेकिन उस केस में भी उपरोक्त सभी हो सकता है सही। ठीक है, लेकिन काफ़ी जगह नहीं होता है, तो ये ट्रिक छोटी सी थी। तो राइट आंसर आपका डी रहेगा। देखो साक्षात्कार की जो विशेषता होती है ना, ये उद्देश्य केंद्रित होता है, ये आमने सामने वाला वार्तालाप होता है, ये व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिक्षा के किस भाग को रिज्यूम में नहीं लिखा जाता? तो प्राथमिक शिक्षा जो होती है ना, उसको रिज्यूम में नहीं लिखा जाता है। अगर आपने हाई लेवल की पढ़ाई की है ना, तो आपको माध्यमिक शिक्षा को भी लिखा जाएगा। ठीक है, स्नातक शिक्षा और उच्च शिक्षा को लिखा जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा कि प्राथमिक शिक्षा को जो है रिज्यूम में, आपका CV जो होता है उसमें नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समूह चर्चा क्या है? तो समूह चर्चा क्या है, राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, एक समूह के व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक वार्तालाप। ठीक है, देखो जो समूह चर्चा होती है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समूह के सदस्य किसी विशेष विषय या फिर मुद्दे पर विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ये एक अनौपचारिक बातचीत होती है। कैसी बातचीत होती है? अनौपचारिक बातचीत होती है। बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य जो होता है सहयोग करना, सीखना या फिर समस्याओं का समाधान करना होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अशाब्दिक संप्रेक्षण के अंतर्गत आते हैं, अशाब्दिक संप्रेक्षण के अंतर्गत कौन आता है? तो देखो चिन्ह हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, सूचित चिन्ह हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएंगे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपको सबसे पहला कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली लड़कियों से पूछा गया है कि आपको सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए। लिपस्टिक आपके ऑप्शन में रहेगा, प्राइमर रहेगा, हाईलाइटर रहेगा, कंसीलर रहेगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, प्राइमर आपको सबसे पहले लगाना रहेगा। ठीक है, ये वो वाला प्राइमर की बात नहीं कर रहे यहाँ पे कि जो दीवारों पर होता है। ठीक है, लड़कियों का एक अलग मेकअप का होता है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के एस बड़े गुणों में से एक नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना रचनात्मकता जो हो जाएगा ना, व्यक्तित्व के गुणों में से नहीं है। सहमतता, कर्तव्य निष्ठता, मनोविक्षुब्धता, ठीक है, साथ ही साथ खुलापन और बाहर मूर्खता, ये सभी जो हो जाएंगे व्यक्तित्व के एस बड़े गुणों में शामिल है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, जो कि नहीं है, रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संप्रेक्षण के 4 S हैं, 4 S ऑफ कम्युनिकेशन आर, कम्युनिकेशन के जो 4 S हैं वो कौन से हैं। राइट आंसर आपको लगाना है सिंपलसिटी, स्पीच, स्पेक्ट्रम, सोशल, साधारण बोलना, बहुरंगी, सामाजिक। ठीक है, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसका छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, साधारण का मतलब क्या होता है, जब आप बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो भाषा सरल और समझ में आसान होनी चाहिए, जटिल शब्दों और वाक्यों से बचना चाहिए। ठीक है, इसी को हम साधारण कहेंगे। और बोलना के मैं आपको बताऊं, बोलने का मतलब होता है संवाद स्वाभाविक और सहज होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा बोलना है वो स्वाभाविक और सहज होना चाहिए, जैसे आप किसी मित्र से बात कर रहे हो इस तरह से आपको बात करनी चाहिए। बहुरंगी का मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यानी कि स्पेक्ट्रम का मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो इसका मतलब हो जाएगा संचार में विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मौखिक, लिखित, दृश्य और अशाब्दिक। ठीक है, सामाजिक का मैं आपको यहाँ पे मतलब बताऊँ, तो संचार में सांस्कृतिक संदर्भ में श्रोताओं की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है,
संचार में सांस्कृतिक संदर्भ में श्रेताओं की, जो सुनने वाला है उसकी भावनाओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संप्रेक्षण क्या है, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है ये एक प्रबंध की प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, यानी कि उपरोक्त सभी डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिपुष्टि कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेक्षण नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है प्रश्नावली जो हो जाएगा मौखिक संप्रेक्षण नहीं है, बाकी आपका जो रेडियो है उसमें भी आप बोल के ही कुछ कोई बोलेगा तभी आप उसको सुन पाएंगे ना, टीवी प्रसारण और साक्षात्कार, ठीक है, इंटरव्यू क्या होता है जिसमें भी आप एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात करते हैं, टीवी में कोई बोल रहा होता है आप उसको सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ठीक है। टीवी में ऐसा तो होता नहीं है कि कोई बंदा बस इशारों इशारों में आपको बता रहा है आप सारी बात समझ रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है मतलब कि कुछ मुँह से बोल रहा है तभी आप समझ पा रहे हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं है। अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना वक्ता का नाम, ठीक है। अशाब्दिक संचार देखो इसमें क्या रहता है कि शब्दों के बिना विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका जो होता है ना उसको हम अशाब्दिक संचार कहते हैं, और वक्ता का नाम बताने के लिए आपको मुँह से बोलना ही पड़ेगा, तो इसका प्रकार नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित हैं, तो शाब्दिक कठिनाइयाँ जो हैं अस्पष्ट व्यक्त संदेश से हो जाएंगे, ठीक है, जो स्पष्ट नहीं है उसको आप कैसे बताएंगे, तो वो आपके लिए कठिन पड़ जाएगा ना, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है, त्रुटिपूर्ण जो अनुवाद है ना वो शब्द अर्थ अवरोध से संबंधित है, व्याकरणिक त्रुटियों से संबंधित है, सांस्कृतिक अंतर से संबंधित है, अनुभव की कमी से संबंधित है, तो ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। डैश को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में भी तैयार किया जाता है, यानी कि किसको अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है प्रोजेक्टिव टेस्ट, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डैश को यानी कि किसको व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीके के संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। राइट आंसर आपको लगाना व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डैश किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत पहचान होती है ना, व्यक्तिगत पहचान किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डैश बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मातृभाषा जो है बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हम अपने विचारों अवधारणाओं और भावनाओं को डैश के माध्यम से साझा कर सकते हैं, तो संचार के माध्यम से, ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है, तो दुख जो हो जाएगा संचार का प्रकार नहीं है, क्या है, एक भावना है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, ये किस प्रकार का संचार है, तो ये जो संचार हो जाएगा ना आपका मौखिक हो जाएगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मौखिक संचार डैश का उपयोग है, तो शब्दों का उपयोग होता है, ठीक है, शब्दों का उपयोग करके मौखिक संचार होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक भाषा संबंधित है, किससे संबंधित है, व्यक्तिगत अवरोध से संबंधित है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जल्द होता है, ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल के फायदे हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाठ संदेश है, तो पाठ संदेश क्या है, एक त्वरित संदेश हो जाएगा, शब्द संदेश हो जाएगा, मोबाइल संदेश हो जाएगा, उपरोक्त सभी डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है, राइट आंसर आपको लगाना है संकेत भाषा जो हो जाएगी ना शारीरिक भाषा का प्रारूप हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है, तो राइट आंसर आपको लगाना मौखिक जो हो जाएगा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाल रंग दर्शाता है, तो लाल रंग क्या दर्शाता है, अंगित या उत्तेजना का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, जो लाल रंग होता है ना अंगित या फिर उत्तेजना का प्रतीक माना जाता है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा जिसे आप TAT कहते हैं का
निर्माण किया था, किसने किया था? मॉर्गन एवं मुरे ने किया था। कब किया था? 1930 में किया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया था। बी आपका करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अच्छी स्वास्थ्य आदतें हैं, तो अच्छी स्वास्थ्य आदतें समुचित भोजन, समुचित आराम और व्यायाम, ये सभी जो हो जाएंगी अच्छी स्वास्थ्य आदतें हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसी के साथ आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। या फिर आपको स्क्रीन पे एक नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर मुझे मैसेज करेंगे और कहेंगे सर मुझे टेलीग्राम का लिंक दीजिए, तो मैं आपको दे दूंगा। या फिर आप तीसरा काम ये कर सकते हैं, टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर सर्च करेंगे @study platform, क्या सर्च करेंगे, @study platform सर्च करेंगे, जैसे ही आपको एक चैनल ऊपर नजर आएगा उसको ज्वाइन कर लेंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ एक बात ये रहेगी कि मैंने आपके लिए एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से, ठीक है। हेलो स्टडी के नाम से मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर मैं आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ कवर कराऊँ, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट MCQ मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा, तो चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तिगत विकास का आशय है, तो व्यक्तिगत विकास का आशय जो हो जाएगा व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, ठीक है, इसे भी क्या हो जाएगा व्यक्तिगत विकास के आशय हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा बैक्टीरिया दांत गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण है, राइट आंसर आपको लगाना है प्लेक, ठीक है। दांतों के गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण जो हो जाएगा ना आपका प्लेक हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं, तो साक्षात्कार की अवस्थाएं कितनी होती हैं, ये तो थोड़ा नहीं कंफर्म है मुझे, लेकिन मेरा ऑप्शन जो जा रहा है 4 की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो डी आपका राइट आंसर हो सकता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, संगीत साक्षात्कार नहीं होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्यूरिकुलम विटी किस भाषा का शब्द है, राइट आंसर आपको लगाना है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संप्रेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हमें 7C का अनुसरण करना चाहिए, ठीक है, संप्रेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए 7C का अनुसरण करना चाहिए, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत हैं, मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत हैं ध्यान आकर्षण सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, विश्वास का सिद्धांत, ये सभी जो है मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है EDI का अभिप्राय है, तो EDI का अभिप्राय क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको लगाना है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डैश किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत स्थायी सुसंगत तरीके से भिन्न है, राइट आंसर आपको लगाना है शील गुण हो जाएगा, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्पष्ट संचार विपरीत कार्य की ओर ले जाता है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो पर्सोना शब्द से हुई है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका आदित्य सामंजस्य निर्धारित करता है, ये परिभाषा किसकी है, आलपोर्ट की है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं, तो शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हो जाएंगे एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ, एक्टोमोर्फ, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं कौन से, बाहर्मुखी और अंतर्मुखी, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व के विकास के घटक हैं, तो व्यक्तित्व के विकास के घटक हो जाएंगे आपके शरीर, ग्रंथियाँ, वातावरण, ठीक है, इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको आर देखने को मिले या फिर हैं देखने को मिले तो आपको डी आंसर आपको लगा देना, उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ हैं, तो व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ हो जाएंगी प्रश्नावली, साक्षात्कार, ठीक है, प्रक्षेपण, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ हैं, यहाँ पे एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी आर या फिर हैं, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर आपको लगाना है 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समूह चर्चा के समय निम्न में से किसे नज़रअंदाज
नज़रअंदाज करना चाहिए, राइट आंसर आपको लगाना है तेज़ बोलने को नज़रअंदाज करना चाहिए, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है, राइट आंसर आपको लगाना है सांवेगिक स्थिरता, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी आवश्यक हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समूह चर्चा की विधियाँ हैं, तो समूह चर्चा की विधियाँ कौन कौन सी हैं, राइट आंसर आपको लगाना है ब्रेन स्टेमिंग, पैनल चर्चा, सिंपोजियम, ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगी समूह चर्चा की विधियाँ हैं। इसमें मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, अगर आपको आर देखने को मिले या फिर हैं देखने को मिले तो आपको आंसर लगा देना उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है, एक वीडियो को लाइक कर देना है और आपके जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, सभी को ये वीडियो शेयर करना जो कि आपके साथ ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, सिक्स सेमेस्टर में है, क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ये क्वेश्चन पेपर करना ही रहा होगा। अगर आपने एग्जाम दे दिया है तब भी आपको शेयर करना है, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तब भी आपको करना है, क्योंकि उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो शेयर जरूर करना है, ठीक है, साथ ही साथ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से समूह चर्चा की चुनौती नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना है प्रभाव जो हो जाएगा समूह चर्चा की चुनौती नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक आत्मविश्वासी जो वक्ता होता है दर्शकों की आंखों में देखकर बात करता है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। शरीर भाषा की मुख्य विमाएँ हैं, तो शरीर भाषा की मुख्य विमाएँ क्या हैं, राइट आंसर आपको लगाना है चिन्ह भाषा, काइनेसिक्स और प्रॉक्सिमिक्स, ये सभी जो हो जाएंगी सभी भाषा की मुख्य विमाएँ हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। देखो आर यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। ये ट्रिक जो है ना ज़्यादातर लागू होती है हर एक केस में, किसी किसी केस में लागू नहीं होती है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक वगैरह के केस में, वरना तो ज़्यादातर आपकी लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर आपको लगाना है वेबकैम की होती है। वेबकैम क्या होता है, कंप्यूटर में जो कैमरा होता है ना उसका नाम है वेबकैम, कंप्यूटर की होती है। अगर आपको किसी को देखना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिएगा, माइक्रोफोन, ठीक है, आपको सुनना है तो आपको क्या चाहिएगा, माइक्रोफोन चाहिएगा, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईमेल एड्रेस में एट द रेट से पहले लिखा हुआ नाम कहलाता है, तो ईमेल एड्रेस में एट द रेट से पहले जो लिखा हुआ था ना उसको यूजर आईडी कहते हैं, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या सामान्य है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सभी जो हो जाएंगे सोशल मीडिया साइट हैं, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है, कम्युनिकेयर से हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संचार प्रक्रिया के तत्व हैं, देखो ऑप्शन आपको देखना है, ट्रिक देखनी है आपको, संचार प्रक्रिया के तत्व हो जाएंगे भेजने वाला होता है, माध्यम होता है और प्राप्तकर्ता होता है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अमौखिक संचार का प्रकार नहीं है, तो रिपोर्ट जो हो जाएगी ना एक लिखित संचार का प्रकार है, कैसा है, रिपोर्ट क्या है, एक लिखित संचार का प्रकार है, तो ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से क्या प्रभावी श्रवण कौशल का आधार नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना भविष्य कथन, ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से क्या प्रश्नों का प्रकार नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना स्मरण प्रश्न का प्रकार नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते उनसे निम्न में से किस विषय पर आप बात कर सकते हैं, राइट आंसर आपको लगाना है खेल पर बात कर सकते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप नहीं पूछ सकते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगे बताना, लेकिन जो खेल एक ऐसा विषय है जो ज्यादातर हर किसी को पसंद होता है, तो खेल के विषय में आप बात कर सकते हैं, ना कि आप खेल खेल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात करने की बात कर रहा है, आप किस विषय में बात कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप क्या खेलना पसंद करते हैं, इस तरह से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, चलो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शब्द संप्रेक्षण कम्युनिकेयर से लिया गया है, किससे लिया गया है, कम्युनिकेयर से लिया गया है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समूह चर्चा के समय व्यवहार के स्वरूप हैं, तो समूह चर्चा के समय व्यवहार के रूप हो जाएंगे, आपको यहाँ पे आंसर लगाना है कृत्यक आचरण, अनुरक्षण आचरण हो जाएगा, आत्मनिर्देशन आचरण हो जाएगा, ठीक है, ये सभी जो है डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्णय का लाभ नहीं है, समूह निर्णय का लाभ नहीं है, राइट आंसर आपको लगा देना है व्यक्तिगत विकास, ठीक है, व्यक्तिगत जो विकास एक सीधा आपका जो है समूह निर्णय का लाभ नहीं है, तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौखिक संप्रेक्षण उचित अवधान एवं शीघ्र प्रतिसाद
सुनिश्चित करता है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शीर्ष स्तर के प्रबंधन से भिन्न स्तर के कर्मचारियों तक किस प्रकार का संप्रेक्षण प्रवाहित होता है? उधर्व संप्रेक्षण होता है, ठीक है, कौन सा होता है? उधर्व होता है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौखिक संप्रेक्षण में सबसे प्रमुख बाधा है, मौखिक संप्रेक्षण में सबसे प्रमुख बाधा हो जाएगी कम सुनना, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ईमेल भेजना पत्र लिखना के समान है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक सूची साक्षात्कार जिसे बोर्ड इंटरव्यू के रूप में जाना जाता है, ठीक है, एक सूची साक्षात्कार जिसे बोर्ड इंटरव्यू के रूप में जाना जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपका रिज्यूम एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण है कार्य प्राप्त करने के लिए, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्य के आवेदन से पूर्ण प्रकरण में शैक्षिक सूचना, व्यक्तिगत सूचना, व्यावसायिक सूचना, ये सभी होते हैं, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यावसायिक पत्रों में इनमें से किससे बचना चाहिए? व्यावसायिक पत्रों में जो है संक्षिप्त अक्षर से बचना चाहिए, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण हो जाएगा व्यावसायिक संदेश की योजना बनाना, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेखन कुशलता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? राइट आंसर आपको लगाना, उत्तम व्याकरण एवं विराम चिन्ह की आवश्यकता होगी, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो साथ में क्या करना है, एक लाइक कर देना है, एक शेयर कर देना है, ठीक है। शेयर जो है आपको 2 से 3 लोगों को कम से कम करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।